मेलुकोटे में योग नरसिम्हा मंदिर से कुछ ही दूरी पर 22 जनवरी 2024 को चील घूमते हुए नजर आए। इसका मतलब ये हो सकता है कि वहां जमीन पर कोई जानवर या इंसानी शव पड़ा हुआ हो, इसलिए अब जल्दी से सभी लोग उस जगह पर भाग कर जाते हैं और पास जाने पर अजीब सी गंध पूरे वातावरण में फैली हुई थी। काफी सारी मक्खियां वहां पर भिनभिना रही थीं। अब उस जगह को घेर करके भिनभिनाती हुई मक्खियों को देखकर नजर आ रहा था कि वहां हो सकता है कि किसी का शव दफन हो, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां जमीन में कुछ न कुछ तो जरूर दफन किया गया है। अब यही देखने के लिए सभी लोग जल्दी से खोदाई करना शुरू कर देते हैं। अभी थोड़ा सा ही जमीन को खोदा गया था कि वहीं पर एक दुपट्टा सभी को नजर आ जाता है। उसी भीड़ में खड़ा हुआ लोकेश नाम का व्यक्ति यह देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि जमीन में दफन कोई और नहीं बल्कि लोकेश की पत्नी दीपिका थी। सवाल यह उठता है कि आखिर एक अध्यापिका को कोई क्यों मार सकता है? दीपिका एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी, तो आखिर किसने और क्यों इतनी बेरहमी से उसे मारकर जमीन में गाड़ दिया होगा? शायद हो सकता है कि उसके पति ने या फिर किसी और ने उसे मारा है। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। क्या था पूरा मामला, क्यों हुई थी एक महिला टीचर की हत्या, हत्यारा कौन था, आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार, क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कर्नाटक के मांड्या जिले में एक लापता महिला स्कूल टीचर का शव सुनसान जगह पर दबा मिला। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान पांडवपुरा तालुक के माणिक्यहल्ली गांव की रहने वाली दीपिका के तौर पर हुई है। परिवार में उनका पति और 7 साल का एक बेटा है। शुरुआती जांच में सामने आया कि दुष्कर्म और पुरानी रंजिश के चलते यह वारदात की गई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है मांड्या मंकन हाली गांव में रह रही एक 28 साल की लड़की दीपिका से, जो कि शादीशुदा होने के साथ साथ ही उसका एक 8 साल का बच्चा भी था। दीपिका एक स्कूल टीचर होने के साथ ही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी। वो दिखने में हीरोइन से कोई कम नहीं थी और उसकी इसी लुक की वजह से ही सभी लोग उसकी वीडियो को देखना पसंद करते थे। दीपिका के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया कि दीपिका एक टीचर थी, इसी वजह से उसे मनकनहाली से मांड्या जाना पड़ता था, जिसकी दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर थी, इसलिए उसे सुबह लिए जल्दी निकलना पड़ता था। घर से वो स्कूल के लिए बस स्टैंड पर जाती थी और बस स्टेशन के पास में ही एक पार्किंग एरिया में अपनी स्कूटी को पार्क करने के बाद बस से ही आगे का सफर तय किया करती थी, यानी कि वो बस से ही आगे स्कूल जाया करती थी और यही उसका डेली रूटीन था। वो रोज ऐसे ही आती जाती थी, लेकिन दुर्भाग्य से 20 जनवरी 2022 को दीपिका की बस मिस हो जाती है और वो स्कूटी से स्कूल जाने का फैसला करती है और वो स्कूटी से ही स्कूल चली भी जाती है। और ठीक दोपहर 1:30 बजे के आसपास उसके पति लोकेश ने उसे फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा था। अब कुछ समय बीत जाता है और स्कूल से छुट्टी हो जाती है। काफी इंतजार करने के बाद भी दीपिका अपने घर नहीं लौटती है। इसके बाद लोकेश परेशान होकर अपने जानने वाले सभी मित्रों और स्टाफ के लोगों को कॉल करके पूछता है, क्या दीपिका वहां से निकली है या फिर नहीं? लेकिन स्टाफ के सभी लोगों ने यही कहा कि आज तो 12 बजे ही दीपिका स्कूल से जा चुकी थी। ये सुनकर लोकेश के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी अब उसने अपने रिश्तेदारों को फोन करना शुरू किया, लेकिन किसी भी रिलेटिव ने ये नहीं कहा कि दीपिका उनके घर पर आई है या फिर दीपिका से उनकी बात हुई है। अब लोकेश की चिंता बढ़ती जा रही थी।
क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि दीपिका लोकेश को बिना बताए कहीं चली जाए। इसलिए लोकेश ने तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाना मुनासिब समझा। वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और दीपिका के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है। उसी शाम को दीपिका की स्कूटी मेलुकोट में योग नरसिंहा मंदिर के आसपास में दिखाई देती है, लेकिन काफी छानबीन करने के बाद पुलिस वालों को दीपिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके बाद आगे के दो दिन भी बीत जाते हैं। लोकेश को अब ऐसा लगने लगा था कि पुलिस वाले इस केस को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं हैं। अन्यथा स्कूटी मिलने के बाद भी भला दीपिका को वो कैसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जिसके बाद लोकेश और कुछ लोग मिलकर के जहां पर स्कूटी मिली थी उसके आसपास के एरिया में कुछ सबूत ढूंढना शुरू कर देते हैं, ताकि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिसके जरिए वो दीपिका तक पहुंच जाएं। तभी उन्होंने देखा कि आसपास में काफी सारी चील घूमते हुए नजर आ रहे थे। और जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि जैसे ही जमीन को खोदना शुरू किया जाता है तो सबसे पहले एक कपड़ा दिखाई देता है। उस कपड़े को देखते ही लोकेश फूट फूट कर रोने लगा था, क्योंकि ये वही कपड़ा था जो दीपिका ने आखिरी समय पर पहना हुआ था और वह घर से स्कूल के लिए निकल पड़ी थी। पूरी खुदाई करने के बाद एक शव निकला, पर उसकी पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसका चेहरा पहचानने लायक छोड़ा ही नहीं गया था। लेकिन लोकेश ने उसे पहचान लिया कि वो उसकी दीपिका ही है, क्योंकि उसने कपड़े को पहचान लिया था। फिर लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर पुलिस भी जल्दी ही वहां पहुंच जाती है और फिर दीपिका के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जैसा कि पुलिस वालों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वहां के लोकल लोगों के साथ मिलकर दीपिका को ढूंढ निकालेंगे और उसके शव को ढूंढ करके पुलिस को बताएंगे, उसी तरीके से पुलिस वालों को ये भी उम्मीद नहीं थी कि ये खबर बहुत ही तेजी से वायरल होने वाली है। और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ये खबर फैलना शुरू हो जाती है कि एक शिक्षिका और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ ये सब हुआ है। फिर ये खबर वायरल होने के बाद पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को लेना शुरू कर दिया, इसकी इन्वेस्टिगेशन का काम चालू कर दिया, जिसके बाद पड़ोसियों के माध्यम से अर्थात दीपिका और लोकेश के पड़ोसियों ने पुलिस वालों को बताया कि घटना से ठीक 15 दिन पहले ही इन दोनों में बहुत ही बड़ा विवाद हुआ था और दीपिका का जो शव है वो पहले लोकेश को ही मिला था। और ये सारी कड़ी जोड़कर पुलिस वालों ने अब पूरा शक उसके पति यानी लोकेश के ऊपर डाल दिया था, क्योंकि हो ना हो ये सारा खेल उसके पति लोकेश का ही रचा हुआ हो सकता है। जिसके बाद पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने ले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे हर सवाल का सही सही जवाब दो। फिर एक के बाद एक कई सवाल पूछा जाता है। उसी सवाल जवाब में जो वो खुलासा करता है वो काफी चौंकाने वाला था। लोकेश ने पुलिस वालों को पहले तो ये बताया कि 22 वर्षीय नीतीश नाम के लड़के ने दीपिका को घटना वाले दिन कॉल किया था। अब सबसे पहले ये समझिए कि नीतीश कौन था। नीतीश वो लड़का है जो कि दीपिका का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और नीतीश का दीपिका के घर पर आना जाना लगा ही रहता था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दीपिका एक स्कूल टीचर होने के साथ साथ ही एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी और उसकी फोटो और वीडियो देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। इसी के चलते उसकी पोस्ट को उसकी रील्स को बहुत सारे लोग लाइक भी करते थे, बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करना शुरू कर चुके थे और उन्हीं फॉलोअर्स में से एक होता है नीतीश। अब नीतीश ने बाकी लोगों की तरह सिर्फ उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो ही नहीं किया था बल्कि उसे रियल लाइफ में भी फॉलो करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो दोनों एक ही गांव के थे। अब दोनों की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो जाती है। दोस्ती इतनी बढ़ने लगती है कि नीतीश और दीपिका दोनों एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू कर देते हैं और इसी तरीके से दोस्ती आगे बढ़ती चली जाती है।
दीपिका नीतीश को अपने भाई समान मानती थी और नीतीश भी उसे बहन कहता था। लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि नीतीश सिर्फ एक भाई होने का दिखावा कर रहा था। और इसी तरीके से फिर 2 साल बीत गए थे। अब उसकी रील्स को एडिट करने के बहाने वो हमेशा उसकी हेल्प करने के बहाने उसे कॉल या मैसेज करता रहता था, लगातार उनके घर पर आया जाया करता था। और इसी के चलते अब दीपिका के पति लोकेश को इस बात से काफी चिड़चिड़ापन होने लगा था। नीतीश उसकी पत्नी के कितने करीब आ चुका था और उसे हमेशा कॉल मैसेज करता था, इसका आप अंदाजा लगा सकते होंगे। दीपिका भी उसके घर जाती थी, नीतीश भी उसके घर पर आता था। ये सब देख देख कर लोकेश काफी परेशान होने लगा था। और साथ ही गांव के लोग भी अब लोकेश की तरफ देखकर उसकी पत्नी और नीतीश को लेकर काफी बातें सुनाने लगे थे। और अब इसीलिए लोकेश ने अपनी पत्नी से कहा कि आज के बाद तुम नीतीश से ना कभी मिलोगी, ना ही उसे फोन पर या मैसेज से बात करोगी। इन सब बातों को लेकर पति पत्नी में काफी झगड़ा बढ़ जाता है। लोकेश दीपिका को चेतावनी देता है कि ना तुम उसके घर जाओगी, ना वो हमारे घर मिलने के लिए आया करेगा। हालांकि दीपिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया था और उसने नीतीश से कह दिया था कि अब हमारी दोस्ती यहीं पर खत्म होती है, अब ना मैं तुम्हें मैसेज करूंगी और ना तुम मुझे मैसेज या कॉल करना, ना ही मेरे घर पर आना। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीतीश सिर्फ भाई होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ और ख्याली पुलाव पका रहा था। इसलिए कहीं न कहीं पुलिस वालों को थोड़ा सा यह संदेह होता है कि हो सकता है कि नीतीश का भी इसमें हाथ हो सकता है। इसी संदेह के चक्कर में पुलिस वाले अब उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पता ये चलता है कि नीतीश ना तो घर में मौजूद है, ना ही कहीं गांव में मौजूद है। उसके बाद जब उसके नंबर को ट्रेस किया जाता है तो उसका नंबर भी बंद आ रहा होता है। अब इन बातों से पुलिस वालों को उसके ऊपर और भी ज्यादा गहरा शक होने लगता है, इसलिए उन्होंने अब उसके मोबाइल नंबर को ट्रैक करना जारी कर दिया था। एक बार जब उसका नंबर ऑन हुआ तो उसका नंबर ट्रैक हो जाता है और पता चल जाता है कि वो विजयनगर में है। तुरंत वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उसे खोज कर गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पुलिस कहती है कि तुम ही ने दीपिका के साथ ये सब कुछ किया है। तो जो सच पुलिस वालों को नीतीश ने बताया उसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नीतीश ने पहले तो पुलिस वालों को ये बताना शुरू किया कि जब हम दोनों के बीच में बातचीत होना बंद हो गई थी तो मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा था। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद दीपिका ने मुझे ब्लॉक कर दिया है और इसलिए मैंने कॉल भी ट्राई नहीं किया। लेकिन जब मैंने कॉल लगाई तो उसका मोबाइल बस उठा और फिर मुझे लगा कि शायद उसके मन में भी कुछ न कुछ तो जरूर है, इसलिए अभी तक उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया और मैं उसे बुलवाने की कोशिश में लग गया था। फिर ठीक 20 जनवरी को मैंने उसे कॉल किया और उस दिन मेरा जन्मदिन भी था और मैंने उसे कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मुझे जन्मदिन के लिए बधाई नहीं दोगी। हालांकि दीपिका ने उसको जन्मदिन की बधाई भी दी, लेकिन नीतीश ने दीपिका की बधाई को स्वीकार नहीं किया और उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, तुम्हें मुझे मिलकर बधाई देनी होगी। अब नीतीश दीपिका से मिलने के लिए जिद करने लगता है। हालांकि दीपिका ने उसे मना भी किया कि वो उससे नहीं मिलना चाहती और वो उसके फोन को काट करके स्कूल के अंदर चली गई, जिसके बाद मोबाइल पर लगातार नीतीश उसे कॉल करता रहा, जिससे परेशान होकर दीपिका अब नीतीश से मिलने के लिए स्कूल से निकल जाती है। समय दोपहर के तकरीबन 12 बजे के आसपास का ही था। दीपिका उससे बताए हुए स्थान पर चली जाती है और वो दोनों तलहटी में बात करने लगे। अब दीपिका को नीतीश फोर्स करने लगता है कि वो पहले की तरह ही उससे बात करे, फ्रेंडशिप बनाए रखे। और अब दीपिका जैसा कि नीतीश के बारे में जान चुकी थी कि उसके मन में भाई वाला प्रेम नहीं बल्कि कुछ और खिचड़ी पक रही थी,
उसके मन को पड़ चुकी थी और इसलिए उसने मना कर दिया था। और इन्हीं बातों में अब दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। बातों ही बातों में नीतीश उसे पीटना भी शुरू कर देता है। हालांकि यहां पर जो पर्यटक मौजूद थे वो सब इसे देख रहे थे, यहां तक कि एक व्यक्ति ने दूर से ही उनका वीडियो भी बना लिया था। ये देखकर नीतीश सतर्क हो गया और रोती हुई दीपिका को सबसे पहले पुचकारना शुरू कर देता है और उसे समझाने लगता है, और समझा बुझाकर अब बाद में दूसरी जगह लेकर चला जाता है और वहां उससे फिर से वही बात करने लगता है। उसे फोर्स करने लगता है कि पहले की तरह ही मुझसे बातचीत करो। लेकिन एक बार फिर से दीपिका ने भी वही कहा कि अब मेरा पति और मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते हो, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और ना ही कर सकती हूँ, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब इतना बोलने के बाद दीपिका पीछे मुड़कर आगे की ओर चलना शुरू कर देती है और तभी अचानक से पीछे से नीतीश ने सबसे पहले तो उसका शॉल खींच लिया और उसके उसी शॉल से गला घोटना शुरू कर देता है। बेचारी दीपिका वहीं पर गिर जाती है, थोड़ी बहुत उसे चोट भी लग जाती है। इसके बाद नीतीश ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और दीपिका के चेहरे पर दे मारा। अब ये सब करने के बाद भी नीतीश का मन नहीं भरा था तो उसने शॉल से पहले तो उसको ढक दिया और फिर उसका गला दबाना शुरू कर देता है। इस गला घोट करके उसकी जान ले लेता है। फिर उसको जल्दी से वहीं पर 2 फीट की तकरीबन में गड्ढा खोदता है और दीपिका के शॉल को वहीं पर दफन कर देता है। इसके बाद नीतीश अपना स्मार्टफोन बाहर निकालता है और अपने पिता को एक वॉइस मैसेज ड्रॉप कर देता है। उस मैसेज में कुछ ऐसा उसने बोला था कि पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, हो सके तो मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ लीजिएगा और उसकी शादी करवा दीजिएगा, मैं शायद अब कभी घर वापस लौट कर नहीं आऊंगा। इतना मैसेज वो ड्रॉप कर पहले अपने मोबाइल को बंद कर देता है और दीपिका के मोबाइल को भी स्विच ऑफ कर देता है और वहां से भाग जाता है। ये सारी बातें खुद नीतीश ने पुलिस वालों को बताई थी। नीतीश के गिरफ्तार होने के बाद क्या हुआ होगा आप सब भी जानते हैं। लंबी कार्रवाई चलेगी, फिर जाके सजा होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस घटना को कुछ महीने हो गए हैं और मुझे अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज या वीडियो या फिर आर्टिकल नहीं मिला है जहां पर वो मेंशन किया गया हो कि इस बंदे को सजा हुई या फिर नहीं हुई। बाकी अगर आपको किसी को भी इस बारे में कुछ पता चलता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से कृपया करके प्लीज जरूर बता दीजिएगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या किसी से दोस्ती करने से पहले सोचना चाहिए या नहीं? क्या किसी की कुछ बातों से अगर आपको संदेह मिलता है तो क्या अपनी इस दोस्ती को तुरंत ही तोड़ देना चाहिए? मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। वैसे मेरी आप सभी के लिए यही सलाह है कि किसी से दोस्ती कीजिए या मत कीजिए, लेकिन किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उसका छोटा सा बच्चा बिन माँ का हो गया। किसी एक शख्स की प्यार की वजह से तो प्यार को कभी इतना हावी मत होने दीजिए कि किसी के प्यार को छीन कर आप अपने प्यार के काबिल बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।